इस वीडियो में मैं आपको ये बताया हूँ कि किस तरीके से आप घर बैठे आप HP न्यू गैस कनेक्शन के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे यूजर्स हैं जो गैस के लिए अप्लाई तो करना चाहते हैं, लेकिन वो दुकान वाले के पास जाते हैं तो वहाँ बोलता है कि हम 150 लेंगे, कोई बोलता है 100 लेंगे, कोई बोलता है 200 लेंगे, तो वो सोचता है काश हमें ऑनलाइन अप्लाई करने आता। क्योंकि अभी के टाइम में हर इंसान के पास लंबा लंबा बड़ा बड़ा मल्टीमीडिया जो है सेट होता है मोबाइल का, और लैपटॉप भी होता है, तो वो जो है बस ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं जानते हैं कि किस तरीके से HP गैस न्यू कनेक्शन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में वही बताऊंगा कि किस तरीके से आप HP न्यू गैस कनेक्शन के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से HP न्यू गैस कनेक्शन के लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि किस तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से HP न्यू गैस कनेक्शन के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताया हूँ जिससे आप बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप HP न्यू गैस कनेक्शन के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिना किसी को पैसा दिए, बिना कहीं भाग दौड़ किए, बिना दुकान में जाए, बिना आप गैस एजेंसी में जाए। बस आपको अप्लाई कर देना है, इसके बाद ही आपको गैस एजेंसी में जाना है, वहाँ पे आपको पासबुक देगा, इसके बाद आप जो है गैस का लेन देन कर सकते हैं। तो आप कैसे घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से आप HP न्यू गैस कनेक्शन के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ये देखने के लिए भैया आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से जो है घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से न्यू गैस कनेक्शन के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Shut up and sit down. तो HP गैस के कनेक्शन के लिए आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस पेज पर आना पड़ेगा। तो इस पेज का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ जहाँ से जाके आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। तो आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर नेम वाइज है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसका नाम यहाँ से डाल के इसको सर्च कर सकते हैं, या यहाँ पर लोकेशन वाइज भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रीब्यूटर का नाम यहाँ से डालना पड़ेगा। जैसे जहाँ से आप जो भी स्टेट का है तो यहाँ से स्टेट चूज कर लीजिए, और डिस्ट्रिक्ट चाहे तो कौन से डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ से आप सिंपली उसको डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज कर लीजिए, और यहाँ जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके आस पास में है तो डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ से आपको चूज कर लेना है, और कर देना है सिंपली यहाँ पर क्या नेक्स्ट। ये नेक्स्ट टर्न पर यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा एड्रेस यहाँ पर आ गया और इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर आ गया, इसके बाद कर दीजिए नेक्स्ट। तो आपको देख रहे हैं यहाँ आ रहा है कि KYC के लिए आपको यहाँ कंसेंट देना पड़ेगा। इसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे आपका जो एड्रेस आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो एड्रेस और जो आप ले रहे हैं वो सेम है, अगर है तो यहाँ टिक कीजिए, और यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। आधार कार्ड का नंबर फिल करने के बाद या जो कैप्चा है इसमें आपको यहाँ पर डाल के इसको सिंपली करना है जनरेट OTP। आपके मोबाइल पे एक OTP गया होगा, वो OTP यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, इसके यहाँ पर जो भी OTP है वो OTP यहाँ पर आपको डाल दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि योर डिटेल में आपको यहाँ फुल नेम डालना पड़ेगा, यहाँ मेस मैसेज जो भी है यहाँ से चूज कर लीजिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना, जो भी आप डेट ऑफ बर्थ है जो अपने कैलेंडर में जाकर यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि कनेक्शन एड्रेस आप कौन सा एड्रेस आप कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उसका एड्रेस आपको यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपको यहाँ पर हाउस बिल्डिंग नंबर है, सिटी टाउन है, स्टेट यहाँ डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी, और अगर आपके पास ऑफिस का फोन तो वो डालिए। इसके बाद स्टेट का नाम यहाँ पर डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर और रेजिडेंशियल फ़ोन नंबर तो वो भी यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ आपका है कि गिवन अप टू सेक्शन यहाँ बोल रहा है कि अगर आप कनेक्शन लेना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो यस पर करेंगे। चलिए हमको नहीं लेना तो हम यस पर कर देते हैं, और कुछ नोटिफिकेशन है तो उसको आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका बोला जा रहा है
कि आप कौन सा सिलेंडर लेना चाहते हैं, जैसे आप 14.2 केजी का लेना चाहते हैं या 5 केजी का लेना चाहते हैं, जो भी लेना है तो उसको आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ देख रहे हैं कि SBC मतलब सिंगल बोतल कलेक्शन, मतलब सिंगल आपको लेना है सिलेंडर, या यहाँ वो देख रहे हैं कि DBC आपको डबल बोतल कलेक्शन के लिए लेना है। चलिए हमको डबल लेना, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ पर देख रहा है कि आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपको ID प्रूफ देना पड़ेगा, जो आप ID प्रूफ यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। जैसे देखिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन, वोटर ID और सेंट्रल स्टेट का ID या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपको यहाँ से देना है उसको यहाँ पर चूज कीजिए। इसके बाद सिंपली यहाँ पर इसको ID को यहाँ पर ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। जैसे देखिए ID ऑटोमेटिक अगर नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए। नीचे आने पर देखिए यहाँ पर है कि प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपके एड्रेस में आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा, तो जो है पासपोर्ट, आधार, बैंक, क्रेडिट कार्ड, इसको इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, हाउस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, लीज एग्रीमेंट, तो जो भी है यहाँ पर वोटर ID वगैरह बहुत सारा है, तो जो भी है आप वहाँ से चूज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर आधार कार्ड ही चूज कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। स्क्रॉल डाउन के नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर आप बोला जा रहा है कि आपको 300 KB से ज़्यादा का ये फाइल साइज नहीं होना चाहिए और KB में, और यह फोटो साइज को आपको जो है आपका ये 50 KB से ज़्यादा आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो भी आधार जो भी ID दिए हो तो वो नीचे आ जाएगा यहाँ पर। जैसे मैं दोनों आधार सेलेक्ट किया तो आधार आया है। इसको सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ सेलेक्ट फाइल पर जाके आपको इसको फाइल को सेलेक्ट कर लें कि आपका कहाँ पे है, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आधार कार्ड का या फोटो का साइज भी आपको बता दिया हूँ कि 50 KB से ज़्यादा का आपका नहीं होना चाहिए, ये 50 KB से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। सिंपली इसको यहाँ पर आप अपलोड करके यहाँ पर आप कंसेंट एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पर इसका सिंपली आपको क्या करना है, सबमिट। तो अपलोड करने के बाद देखिए आप सिंपली आपको यहाँ पर राइट टिक का मार्क लग जाएगा, अगर अपलोड नहीं हो जाएगा क्रॉस लग जाएगा, तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा आपका मतलब जो अपलोड हुआ है सक्सेसफुली है या नहीं है। इसके बाद यहाँ टर्म पर एक्सेप्ट करके टर्म को एक्सेप्ट कीजिए, इसके बाद यहाँ पर कर देना आपको सबमिट। तो आप देखिए आपको कुछ इस तरह से ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपका देख दे दिया है रेफरेंस नंबर, तो ये रेफरेंस नंबर यहाँ से आप कॉपी करके या इसको डाउनलोड करके आप यहाँ से रख सकते हैं, जिससे आप स्टेटस को ट्रैक भी कर सकते हैं। अब आपका रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूटर के पास सेंड कर दी गई है, जैसे अप्रूवल मिल जाएगा आपको डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ेगा और आपको पेमेंट करना पड़ेगा। गैस कनेक्शन के लिए जो सभी लोकेशन पे अलग अलग होता है, उसी हिसाब से वो आपको वहाँ पे पेमेंट लगेगा। इसके बाद वहीं से भी अपना गैस का पासबुक और अपना कनेक्शन लेंगे, जिसमें आपको सिलेंडर और स्टोव भी मिलता है। इसी वेबसाइट पर चेक स्टेटस पर क्लिक करके आप अपने स्टेटस भी यहां से चेक कर सकते हैं। जैसे यहां रेफरेंस नंबर है, वो रेफरेंस नंबर आपको यहां डालना पड़ेगा, फिर डेट ऑफ बर्थ दिए थे वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहां फिलअप करना पड़ेगा, ये कैप्चा डालना पड़ेगा, तो यहां कैप्चा ये कैप्चा डाल के यहां पर चेक स्टेटस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको ये इस पर आपका रेफरेंस नंबर जो है जो भी यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद यहाँ आपका स्टेटस जो भी है, तो यहाँ देखिए अभी मेरा न्यू स्टेटस है। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि कौन सा डेट में वो आ गया है, नेम आ गया है। इसके बाद यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ का है वो आ गया, डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट टैप आ गया, यहाँ पर ईमेल ID, तो इस तरह से आपको पूरा डिटेल यहाँ पर ये शो कर देगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर रिमार्क, जैसे ही आपको डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से रिमार्क मिलेगा तो आपको क्या पर होगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर के पास आपको जाना पड़ेगा। और मैं एक बात बता दूँ, जैसे आपको यहाँ पर न्यू एस्टर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे आप डालिएगा अगर कनेक्शन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मेल ID जाइएगा। मेल ID जाने के बाद देख लीजिएगा कि यहाँ पर आपको जैसे करके एक मैसेज आएगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको मैसेज को ओके कर दीजिएगा, तो ये आपको डायरेक्ट आपको उसी पोर्टल पर ओपन कर देगा जिस पर आप आए थे। इसको सिंपली यहाँ से डाल लीजिएगा, इसके बाद जो रेफरेंस ID नंबर वो डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ या कैप्चा डालिएगा, उसके बाद जो चेक स्टेटस ओके कीजिएगा, तो आपको इसी तरीके से शो करेगा जो जिस तरीके से मैं आपको पहले दिखाया था, तो उसी तरीके से ये चेक कर ओपन होकर ये आ जाएगा। तो ये इसी तरह से ये ओपन होकर आ जाएगा, तो आप बहुत ही आसानी से इसको ओपन करके अपना स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हो। HP गैस को कनेक्शन लेने के लिए आपको कितना पेमेंट करना होगा उसकी डिटेल आप यहाँ पर पूरा दे सकते हैं, कि उसकी डिटेल यहाँ पूरा दे रखा है। ये फिक्स्ड कॉस्ट है जो आपको हर एक स्टेट में सेम ही देनी होगी। जिसे यहाँ पर देख रहे हैं दे रहा है कि यहाँ पर आपको एक सिलेंडर के लिए 1450 रुपये देने होंगे, जबकि दो सिलेंडर आप ले रहे हैं तो 2900 रुपये आपको देने होंगे। इसी तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ रेगुलेटर का प्राइस आपको 150 रुपीज़ आपको देने होंगे। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर रिफिल, इसके बाद रबर ट्यूब के लिए आपको ये पेमेंट आपको अलग से देनी होगी। तो ये आपको टोटल मिला के ये 5 से 6 हज़ार में आपको एक नया कनेक्शन आपको ये मिल जाएगा।
जिसमें आपको एक भरा हुआ गैस सिलेंडर मिलेगा, या आप दो परचेज करेंगे तो दो आपको भरा हुआ गैस सिलेंडर आपको मिलेगा। बाकी आपको कन्फर्म पर आपको आपकी एजेंसी से ही पता चलेगा। तो एक बार आप अपने एजेंसी को कॉल करके आप वहां से कन्फर्म कर सकते हैं। सो गाइस, यही वो आसान तरीका है जिससे आप बहुत ही इजी तरीका से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से आप HP न्यू गैस कनेक्शन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बिना कहीं भाग दौड़ किए, बिना कहीं दुकान में जाए, बिना किसी को पैसा दिए या बिना कहीं एजेंसी में जाए। बस आपको ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है, इसके बाद ही आपको गैस एजेंसी में जाना, वहां आपको पासबुक मिलेगा, इसके बाद आपको जो पेमेंट बोलेगा वो पेमेंट कर देना है, इसके बाद ही आप जो है गैस का लेन देन कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।